अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री टेकिंग सिखाऊंगी कि किसी भी पेशेंट से, स्पेशली जो एमएसके का पेशेंट है, क्योंकि हम एमएसके की एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के साथ कोई भी पेशेंट आया तो उसकी हिस्ट्री हम लोगों ने किस तरह से लेनी है। इससे पहले कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशन थी हिस्ट्री टेकिंग की, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जाके अपनी आपको इंट्रोड्यूस करवाना है पेशेंट के साथ कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है, अच्छे उलिए में जाना है। और उसके बाद सबसे पहले डेमोग्राफिक डेटा पूछते हैं पेशेंट से। ठीक है, डेमोग्राफिक डेटा में आप लोग उससे पूछोगे, कोई पेशेंट आया है आपके पास, आप उसका नाम पूछोगे, उसकी एज पूछोगे। एज जो कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो आप उनकी आइडिया लगा लो, यंग हैं, ओल्ड एज के हैं, किस तरह, तो उस आइडिया से आप लिख लो। ठीक है, उसके अलावा एड्रेस पूछते हैं, कहाँ से आया है वो बंदा, उसका जेंडर कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, और ये मैरिटल स्टेटस कि वो सिंगल है या मैरिड है। ठीक है, तो उसके अलावा वो क्या काम करते आया, कि फीमेल है तो हाउसवाइफ है या कहीं पे जॉब करती है, वर्क करती है, या मेल है तो वो कहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है उसका, ये लिखते हैं। उसके अलावा डेट ऑफ एडमिशन, इनकी जिस डेट पर आप हिस्ट्री ले रहे हो वो लिखो। ठीक है, या फिर जो हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट है पेशेंट, हॉस्पिटलाइज है, तो उसकी डेट ऑफ एडमिशन लिखो कि किस डेट को एडमिट हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट एपिसोड। ठीक है, ये ना डेमोग्राफिक डेटा तो मतलब जनरल सी बातें होती हैं, आप उसकी ले लेते हैं कि नेम, एज वगैरह ये चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा 3 P आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में, मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री में 3 P, पहले पी से आप याद रखो प्रेजेंट एपिसोड, यानी कि पेशेंट का जो अभी इसी टाइम जो कंडीशन है उसके बारे में आपने पूछना है। ठीक है, फिर सेकेंड पी से पास्ट, पास्ट के बारे में आपने चीज़ें सारी पूछनी है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, यानी कि पास्ट हिस्ट्री पूछनी है। और थर्ड जो पी है उससे है पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, उसमें मैं आगे बताती हूँ कि पर्सनल हिस्ट्री में कौन सी चीज़ें पूछनी है। तो पहला जो है ना प्रेजेंट एपिसोड, ठीक है, ये आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हेडिंग के साथ मिलेगी हिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने मेन हेडिंग्स लिखी हैं, ठीक है, उसके अंदर ही सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं मैंने यहाँ पे, लेकिन हेडिंग्स मैंने कम दिए हैं तो ताकि याद रहे इजी बना के, थोड़े मैंने नोट्स बना लिए हैं आसानी से। ठीक है, इन नोट्स को मैं अपलोड कर दूँगी अपने पेज पर, फेसबुक के पेज पर और इंस्टा पर। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट एपिसोड को हम किस तरह से कर सकते हैं। प्रेजेंट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो भी वो कंप्लेंट कर रहा है या सिम्टम बता रहा है, वो मैकेनिकल उसकी नेचर है या नॉन मैकेनिकल नेचर है, कि वो जॉइंट से रिलेटेड यानी मूवमेंट से रिलेटेड है या नहीं, क्योंकि हम एमएसके की एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए। तो जो सिम्टम है ना, जो भी वो सिम्टम्स बताता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम पूछते हैं। अगर उसने बताया कि मुझे पेन है, तो सबसे पहले उसका ऑनसेट पूछो कि आपको, इसमें क्वेश्चन करेंगे कि आपको कब से है ये। ठीक है, कब से, तो वो हिस्ट्री बताएगा कि मुझे 2 माह से है, 3 मंथ से है। ठीक है, उसके अलावा या मुझे 3 दिन से है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछना है कि ये हुआ कैसे आपको, मतलब एक तो कब से है, दूसरा कैसे हुआ, इससे आपको मैकेनिज्म पता चलेगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, इससे पता चल जाएगा कि जब आप उससे पूछेंगे कि कैसे हुआ, तो वो आपको बता देगा कि आएगा मेरा, मैं गिरा था कहीं पे, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, या कोई इंजरी हुई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, या किस तरह से, क्यों मुझे पेन हुआ, तो इसमें वो बता देगा मैकेनिज्म में। उसके अलावा लोकेशन पूछनी है कि पेन है कहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फीमेल आई है आपके पास, तो उसने मुझे कहा है नी में पेन है, तो आपने उसकी नी में, यानी कि एक बॉडी का चार्ट लें, जैसे ये मैं यहाँ पर एक रैंडम सी पीक बना रही हूँ, ठीक है, नी की, तो यहाँ पे आप पूछ लें कि नी की, ये पटेला, ठीक है, तो नी की किस साइड पे पेन है। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करेगी पेन के लिए, यानी कि ये इनसाइड द जॉइंट है, मीडियल साइड पे है, लेटरल साइड पे है, या टांग की तरफ जा रहा है, या किस तरफ जा रहा है पेन। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पेन की लोकेशन किस साइड पे है, यानी कि लिगामेंट का पेन आ रहा है, टेंडन का पेन आ रहा है, जॉइंट के, यानी कि विद इन द जॉइंट कहीं से पेन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो लोकेशन, अगर आपने पूरा बॉडी का चार्ट मिलते हैं, बॉडी पूरी बॉडी में, उसको खुद अपनी बॉडी का कहना है कि अपने हाथ लगा के बताओ किस जगह पर है पेन, तो वो बता देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ सिम्टम में हम लोग देखते हैं कि उसकी, इनके जो सिम्टम है ना, उसकी नेचर क्या है। नेचर मींस के वो इनके स्वेयर है या डल है, तो उससे पेशेंट से यही पूछते हैं कि आपका दर्द, आपको कितना दर्द हो रहा है।
ठीक है, तो वो बता दे कि मुझे शदीद दर्द है या हल्का हल्का दर्द है। इनके अगर वो कहते हैं हल्का हल्का है, डल पेन है लेकिन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस मीन्स कि मस्क्यूलर पेन है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि सवियर पेन है, शूटिंग पेन है और मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं इस तरह के, यानी बर्निंग सेंसेशन का बता रहा है, तो इस मीन के कोई नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इस तरह से वेस्क्यूलर पेन में क्या होता है कि पल्सेटिंग पेन होता है, जैसे समटाइम माइग्रेन का या हेडेक होता है, तो हेडेक में इस तरह के एक पल्स आ रही है, एक बीट आई फिर रुक गई, रिलैक्स हो गई फिर दूसरी बीट आई, तो इस तरह का पेन वेस्क्यूलर नेचर का होता है। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है क्वालिटी से। उसके अलावा स्वेयर भी देख लिया, डल भी देख लिया, और ये इसके लिए ना डिफरेंट स्केल्स मिलते हैं पेन रेटिंग, पेन को रेट करने के लिए। ठीक है, एक से लेकर ठीक है 10 तक एक स्केल मिल जाता है, तो हम उससे पूछ लेते हैं कि आपका इसमें से बताओ कि कहाँ तक पेन है 1 से 10 तक। तो वो जो भी नंबर देता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से मिनिमम पेन है, ठीक है, मिड में मॉडरेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्वेयर कर लेते हैं, तो इस तरह आइडिया हो जाता है। या फिर फेस रेटिंग स्केल होता है, उसमें डिफरेंट शक्लें बना देते हैं, इस तरह से शक्ल बनी होती है, तो उससे पूछ लेते हैं कि कौन सा किस रीजन आपके फेस किस शक्ल का है, आए कि रोने वाली शक्ल है कि ऐसे लटके मुँह लटका हुआ या किस तरह किया, तो उससे आइडिया हो जाता है कितना सवियर उसको पेन है। उसके अलावा एक मिलता है मैकगिल क्वेश्चनियर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपने गूगल पे ये सर्च कर लेना है मैकगिल क्वेश्चनियर, या डीडी की बुक जो गुडमैन की है उसमें भी मिल जाएगा आपको। इसमें पेन की क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं डिफरेंट, अगर वो आप याद कर लेंगे ना, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस नेचर के पेन होते हैं। ठीक है, एंड देन स्केल भी डिफरेंट तरह के आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, ठीक है, वर्बल पेन रेटिंग स्केल, डिफरेंट तरह के। ये जो फेस वाला होता है ये स्पेशली बच्चों से पूछते हैं हम लोग। फिर आता है बिहेवियर, बिहेवियर्स का मतलब ये है कि उसका यानी कि रात दिन कैसा होता है पेन, यानी कि टेस्ट पे बिहेवियर में एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर भी पूछते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी मूवमेंट ऐसी है जिससे तुम्हारा पेन बढ़ जाता है। उसे पूछते हैं ना क्या करते हो तुम कि तुम्हारा पेन ज़्यादा हो जाता है, या क्या करते हो जिससे कम हो जाता है, तो वो बताते हैं कि जब मैं यानी कि चल रहा होता हूँ तो मेरा पेन ज़्यादा हो जाता है, जब मैं बैठना होता है तब मेरा पेन कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैठने से उसका पेन कम हो रहा है तो हमने फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइजेज करवानी है। ठीक है, हमें आइडिया हो जाता है हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है इससे, ठीक है, बिहेवियर से। और उसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह, या इसका कार्पल टनल सिंड्रोम CTS, आप लोगों ने देखा होगा, इसका नाइट में पेन बढ़ जाता है। अगर वो बंदा कहता है कि जब मैं रात को सोता हूँ, ज़्यादा फीमेल्स में होता है ना, तो फीमेल अगर आपको कह देती है प्रेग्नेंट लेडी या फीमेल है, वो कहती है रात को मैं सोती हूँ तो मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि उसको इस तरफ ले जा सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ। ठीक है, बिहेवियर से हमें आइडिया हो जाता है उसके डायग्नोस की का, इसलिए बिहेवियर लाजमी पूछेंगे कि दिन में शाम में आपका दर्द ज़्यादा होता है, सुबह टाइम ज़्यादा होता है, रात में ज़्यादा होता है, किस टाइम ज़्यादा होता है, और क्या करने से कम हो जाता है, क्या करने से ज़्यादा, एग्रीवेटिंग और एलिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, फिर आता है बिहेवियर, बिहेवियर में ना बिहेवियर ये भी था एक है 48 आवर्स, 48 आवर्स मीन के पिछले 2-3 दिन से तुम्हारा पेन कैसे है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद जब ट्रीटमेंट दे देते हैं ना, जैसे वो बताएगा कि मेरा बहुत ज़्यादा पेन था, इतना पेन था मुझे, तो जब उसको ट्रीटमेंट दे दिया तो उसके नेक्स्ट डे हम पूछते हैं ट्रीटमेंट देने के बाद, तो तुम्हारा इतना हुआ है या इससे ज़्यादा हुआ है, तो अगर उसने कहा है तो 2 एरो बनाए तो इस मीन ये उसका पेन कम हो गया है पहले से, तो हमारा ट्रीटमेंट सही जा रहा है। अगर वो ज़्यादा बताता है तो इस मीन के वर्स हो रहा है और हमें ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए। ठीक है, इससे पता चल जाता है, ये अक्सर ट्रीटमेंट देने के बाद ये वाली चीज़ें पूछनी है। उसके अलावा रिलेटेड साइन सिम्टम्स पूछ लेते हैं कि उसको कोई और नैन के पेन जो उसने बताया है, जिससे कहा नी में या किसी भी पार्ट में पेन बताया, तो हम पूछ लेते हैं उसके साथ कोई और तो तुम्हें नहीं है, जैसे एक आ रहे होते हैं रूमाटॉइड आर्थराइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को सिस्टेमिक साइंस होते हैं, फीवर होता है। ठीक है, तो उसके अलावा और भी रैश वगैरह कहीं पे जिस समय या कुछ और साइन, उसके अलावा एक होता है किसी पेशेंट ने आपको आके बताया मेरे शोल्डर में पेन है, ठीक है, ये उसका शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर पे ये वाले इस रीजन में उसको पेन है, तो उससे आपने पूछ लिया तुम्हें किसी और जगह पेन तो नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ मेरे एब्डोमिन में पेन है, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में मुझे पेन होता है और मुझे वॉमिटिंग भी आती है, और यानी कि मुझे इस तरह हाथ रखते तो टेंडरनेस भी है उसको, तो इससे हमें पता चलता है कि कह साइन है। ठीक है, इसका गॉल ब्लेडर का आपने पढ़ा होगा, गॉल ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन
इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है, समटाइम लेफ़्ट शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इस रिलेटेड साइंस सिम्टम से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ये पूछते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं रीसेंट इन्वेस्टिगेशन इनका भी, तुमने कोई एक्सरे करवाया हुआ है या कोई सीटी स्कैन या कुछ करवाया हुआ है, कोई टेस्ट वगैरह अगर उसने करवाया हुआ है तो वो आप देख लें। ठीक है,